तो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे हमें आने वाली सीरीज़ में जो है वो फोकस करना है, और बड़ी श्रीलंका जब हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है, और बड़ी ज़बरदस्त एक ओकेजन है हम सब प्लेयर्स के लिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, 10 साल के बाद टेस्ट मैच हो रहा है, तकरीबन सारे प्लेयर्स पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेलेंगे, और श्रीलंका अपनी फुल साइड लेके आ रहा है, तो वो सीरीज़ भी हमें ये देखना है कि हमारी हमें बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उनको हराने के लिए, और ऑब्वियसली विल ट्राई आर बेस्ट कि इंशाल्लाह जितना भी टाइम इस इन बिटवीन है हम अपने माइंड्स को फ्रेश करें, और लुक फॉरवर्ड कि हम अच्छी क्रिकेट से दोबारा से जो इस सीरीज़ में जो हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके उसको दोबारा से हम गेट बैक ऑन ट्रैक, और टेस्ट चैम्पियनशिप है कि जिसकी जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये सीरीज़ अच्छी खेलनी बहुत ज़रूरी है। ओके थैंक यू याकूब सर। सबसे पहले तो एक बड़ी अहम बात है जो कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस होती है और ही काउंट करती है टीम की परफॉर्मेंस। एक तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक है, आप कैसे समझते हैं कि बाकी लड़के भी इसमें खेलने के कैसे परफॉर्म कर रहे हैं जब आपके अपनी परफॉर्मेंस की है? नहीं बिल्कुल, आप बात है बॉलिंग अटैक बिल्कुल हमारा फेल हुआ है, स्पिन भी और फास्ट बॉलिंग भी, और एक तो पाकिस्तानी टीम ने दो मिसबाह उसके जाने के बाद बैटिंग लाइन भी कमजोर हुई, और वहाब और आमर के डिसीजन से टेस्ट नहीं थी और कमजोर हुई है, तो आप एज ए कैप्टन समझेंगे कि इनको रिकॉल करना चाहिए दोनों को, तो आप रियाज को आमर को भी शायद आपके पास होते बॉलिंग कैप्टन में? देखिए वो तो ज़ाहिर बात एक चीज़ उन्होंने अपने आप को अवेलेबल ही नहीं किया रेड बॉल क्रिकेट के लिए, तो वो तो मैं इस बारे में इस टाइम पे इस पोजीशन में नहीं हूँ इस बात करने में, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि नया हमारा फ्रेश बॉलिंग अटैक है, लेकिन देखें प्रॉमिस तो शो लग रहा है, नसीम शाह ने जिस तरीके से पहले टेस्ट में बॉलिंग की नज़र आ रहा था कि ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, इसी तरह शाहीन शाह ने जिस तरीके से इम्प्रूव किया है, अगर आप उसकी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें और ऑस्ट्रेलिया में आपको काफ़ी कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, उसके ऊपर काम भी हुआ, पीछे इंजर्ड था उसके ऊपर उसने अपनी फिटनेस पे भी काम किया और साथ साथ अपनी बॉलिंग जो है वो काफ़ी उसकी कंसिस्टेंट नज़र आई है, तो आई थिंक ऑब्वियसली जब आप देखते हैं विकेट कॉलम देखते हैं तो इतना नहीं है, हमने उनको आउट नहीं किया, लेकिन आई थिंक स्टिल बॉलर बॉलिंग के अंदर इतनी प्रॉमिस ज़रूर है कि इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह दे विल बी मच बेटर। और जहाँ तक बात रही मेरी फॉर्म की, यस ऐसा नहीं है कि मेरे बैट पे बॉल नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है कि मैं क्रीज पे जब होता हूँ तो मतलब कि समझ नहीं आ रही या कोई फुटवर्क नहीं चल रहा, अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूर है कि मुझे भी पता है कि रन्स की मुझे ज़रूरत है, और तमाम प्लेयर्स चाहे कैप्टन हो चाहे कोई भी प्लेयर हो इस लेवल पे आपको पता है कि कोई भी बगैर परफॉर्मेंस के नहीं खेल सकता, तो मुझे इस चीज़ की पूरी यू नो रियलाइजेशन है कि मुझे स्कोर करना है, लेकिन आई एम वर्किंग हार्ड, अच्छा फील कर रहा हूँ नेट्स में, अच्छा फील कर रहा हूँ जब मैच में खेल रहा होता हूँ उसमें भी अच्छा फील कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली रन्स नहीं हो रहे, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मेरे रन खुलेंगे तो इंशाल्लाह फिर इकट्ठे आएंगे इंशाल्लाह। बाकी अज़र ठीक है, पाकिस्तान 1995 से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, हार जीत होती रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तनकीद हुई आप पे वकार पे और मिसबा पे वो ये थे कि आपके फैसले थे, आप और शान मसूद एक पूरा सेशन बहुत अच्छा खेल गए, अगला टेस्ट आया आपको ने खुद ओपनिंग छोड़ दी और इमाम अल हक को खिला दिया हालांकि आबिद भी साथ था, इस तरह के फैसले, फिर दूसरा जब वार्नर 6 के 8 से स्कोर कर रहा था तो इफ्तखार से बॉलिंग करवाना, इस तरह के डिसीजन से कमज़ोर कैप्टन दिखाई दिया, आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि मैं 3 साल बाद कप्तानी में वापस आया तो आपको बेहतर अज़र नज़र आएगा, तो दिखाई नहीं दिया। देखिए जब डेविड वार्नर 6 की एवरेज से ऑलरेडी खेल रहा है और मेन बॉलर्स को खेल रहा है तो आपने कुछ तो चेंज करना है ना, आपने पेस ऑफ करनी है बॉल से या कोई डिफरेंट एंगल से बॉल करवाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि किस तरीके से वो गलती करे वो आउट हो, जब एक बॉलिंग हम कराते रहेंगे और दूसरा जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो कितनी देर तक बॉलिंग करेंगे, उनको अगर विकेट्स नहीं मिलेंगी तो इन दी एंड आपको अपने पार्ट टाइम बॉलर्स को लाना पड़ेगा, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा कि 60 ओवर के बाद या 55 ओवर के बाद उनके भी नॉन रेगुलर बॉलर आते थे और वो अहेड होते थे गेम के, हम तो उनकी एक विकेट गिरी होती थी
और एक विकेट गिरी होने के बाद अगर आप देखें, अगर 15-15 ओवर फास्ट बॉलर्स ने कर लिया तो कहीं तो आपको अपने उन बॉलर्स को यूज़ करना ना, आप ये तो नहीं हो सकता कि आप शाहीन शाह को, नसीम शाह को कराई जाएँ। तो आई थिंक जब मेन बॉलर्स समटाइम नहीं काम करते, आपको अपने जो ऑलराउंडर्स होते हैं, पार्ट टाइमर्स होते हैं, लगाना पड़ता है। और वो लेफ्ट हैंडर है, इफ्तिखार ऑफ स्पिनर है, तो आप समटाइम ट्राई करते हैं कि यार यासिर शाह से आउट नहीं हो रहा तो उससे ट्राई करें। तो 6 के रन से 5.5 के रन रेट से जब टेस्ट मैचेस में स्कोर हो रहे होते हैं, तो यार जितने मर्जी आप अग्रेसिव कैप्टन हो, आपको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ता है, विकेट का वेट करना पड़ता है, वरना तो ऑब्वियसली इसीलिए तो कहते हैं जब पार्टनरशिप लगी होती है तो फिर आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। तो समटाइम यहाँ से देख के चीज़ें लगती हैं कि बड़ी आसानी से हम स्कोर करवा रहे हैं, लेकिन उसमें हर चीज़ ट्राई की जाती है। लेकिन एक बंदा अगर 300 बनाता है या 150 बनाता है तो ऑब्वियसली वो आउट क्लास करता है दूसरी साइड को। ऑब्वियसली देखें, मैं जो हमने बेस्ट कम्बिनेशन पहले मैच में सोचा था कि जो मैं ओपन पे आऊँ और हमारे जो मेन प्लेस मिडल ऑर्डर है वो परफॉर्मेंस देता आ रहा था, अनफॉर्चुनेटली हारिस जो था वो स्ट्रगल कर रहा था, जिसकी वजह से फिर हमने सोचा कि शायद जो है वो उसकी फॉर्म इन सेंस कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो उसको इस वजह से हमने चेंज किया और मैं नंबर 3 पे दोबारा आया। जारी बात है फिर हमने ओपनर खिलाना था, तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर ओपन पे होता हूँ या नंबर 3 पे होता हूँ, तो मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जो प्लेयर दूसरा आ रहा है उसको मैं अगर चेंज करूँ तो आई थिंक मैं ये ज़्यादा समझता हूँ कि मैं अपने आप को उस चैलेंज में डालूँ बजाय के दूसरे को डालूँ। पहले मैं अपने फिटनेस के हवाले से बात कर लूँगा। देखें, नी इंजरीज जो होती हैं वो आजकल अगर आप देखें तो तकरीबन हर टीम में 2 से 3 प्लेयर हैं जिनको नी प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब से मुझे नी प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद से मेरी फॉर्म उस तरह नहीं रही, लेकिन इट नॉट सिर्फ उसकी वजह से तो नहीं आप कह सकते कि अज़हर मैं यहाँ तमाम फिटनेस टेस्ट पास करता हूँ, तमाम ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेता हूँ, तमाम अगर आपने बैटिंग देखी हो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मैं खेल रहा होता हूँ, उसी तरह स्प्रिंट्स लगा रहा होता हूँ, फील्डिंग में भी इसी तरह कर, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मतलब कि अगर मुझे कोई इंजरी हो गई है तो सारे ये परसेप्शन कर लेंगे जी इंजरी की वजह से अज़हर स्कोर नहीं कर रहा। आई थिंक समटाइम आपकी फॉर्म ऐसी, फॉर्म क्या कहते हैं, समटाइम लक होती है, समटाइम फॉर्म होती है, तो वो ज़रूरी नहीं कि रन नहीं हुए तो वो सारा नी प्रॉब्लम की वजह से इशू है। आई थिंक कई प्लेयर्स की नी सर्जरीज होती हैं, वो स्टिल खेल रहे होते हैं, तो अगर फिटनेस का कोई इशू होगा तो ऑब्वियसली PCB का मेडिकल स्टाफ है वो पहले ही बता देगा कि ये फिट नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल किया, आई थिंक माजिद भट्टी साहब ने ये बात शायद की है कि मैं इंग्लैंड सेटल होने जा रहा हूँ। आई थिंक इतने सीनियर जर्नलिस्ट जो होते हैं वो मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ, उनकी बड़ी सर्विसेज होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना चाहिए, किसी की बात सुन के TV पे बोल देना, और TV वालों को भी चाहिए कि देखें जी कोई भी अगर किसी के पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई बात कर रहा है तो वो अथेंटिक बात होनी चाहिए। ईजीली ये बैठ के कहना कि जो है ये इस तरह मूव होने जा रहा है ये, और अगर आपने रिसेंटली देखो कि मैं अपने जो बेटा मेरा 3 साल से इंग्लैंड में पढ़ा था उसको भी मैं पाकिस्तान ले आया हूँ, और ना कोई मेरा बिजनेस है बाहर, ना मैंने कोई स्टार्ट किया, ना कोई ऐसा सीन है, ना समरसेट से कोई कह देता है कि पता नहीं कितने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कितने सालों का कर लिया, मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ख़त्म हो चुका हुआ है, और अभी अगले किसी कॉन्ट्रैक्ट का मेरे नॉलेज में नहीं है। तो आई थिंक इस तरह की खबर फैलाने से पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लें, इतना मैं भी काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम से खेल रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी, उनकी मेरी भी मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन आई थिंक उनको कंफर्म करनी चाहिए ये बात करने से पहले। अच्छा,
नहीं बिल्कुल, देखें वार्नर की सबसे पहले बात करूंगा कि वो उसके खिलाफ हमारे क्लियर प्लान्स थे, लेकिन हमने हम गिल्टी हैं इस चीज़ के कि हमने पहले मैच में उस प्लान्स को उस तरीके से हिट नहीं किया। दूसरा ये है कि जब वो सेट हो गया ऑब्वियसली उसको कॉन्फिडेंस वेल वापस आ गया, तो वो प्लेयर ऐसा है कि जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है। तो उसने सेकेंड टेस्ट में तो हमने उस प्लान्स पर हिट भी किया, लेकिन वो उसमें जो है वो उसने उसको काउंटर बड़े आराम से कर लिया। पहले टेस्ट में अगर देखें वो 150 पे खेल रहा था, और हमने जब उसको प्लान सही एग्जीक्यूट किया उसने एक घंटे में सिर्फ 2 रन बनाए थे। तो आई थिंक कि समटाइम आप प्लान ज़रूर करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में जब प्रॉब्लम आता है तो ऐसा प्लेयर जब फंसा हो, जिस तरीके से वो अंडर प्रेशर आया था इस सीरीज से पहले एशेज में फेलियर के बाद, आई थिंक वहाँ पकड़ना बहुत ज़रूरी था। जब वंस वो फॉर्म में वापस आ गया तो उसके ऑब्वियसली फुट मूवमेंट हर चीज़ वापस आ गई भी थी, तो और एडिलेड में इतनी भी नहीं थी पिच के अंदर।